after the discussion of unweighted index number, and as we discussed the shortcoming of the unweighted index number, आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो हमने वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर की क्या, उसमें हमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मैंने एक केस स्टडी से, जो एक रियल लाइफ में आदमी फेस करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस किया था कि वो एप्पल तो कभी कभी खा रहा था, बाकी जो मेन फूड की आइटम्स थी उसी के प्राइसेस जो थे वो तो डाउन हो रहे थे, एप्पल के प्राइस बढ़ रहे थे। तो वहां से हमें नीड अराइज हुई कि देयर शुड बी ए वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर इज आल्सो ऑफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसिस एंड अनदर वन इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडाइसिस। मैंने आपको बताया था इंडेक्स का प्लूरल जो है वो इंडाइसिस भी होता है, इंडेक्सेस भी होता है। तो सबसे पहले मूव करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसिस में। अब इन दिस मेथड वेट्स आर असाइन टू वेरियस आइटम्स, राइट? इन वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडाइसिस द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर वेट बाय देयर क्वांटिटीज। अब यहां जो हम वेट देंगे वो ये देखेंगे कि उसने जो क्वांटिटी है वो कितनी कंज्यूम करी है, इसलिए क्वांटिटी वुड बी टेकन हियर एज ए वेट, इट वुड वर्क एज ए वेट। The weights may be assigned in different methods, and depending upon the method of assigning weights, a large number of formulae have been devised. और वो क्या क्या फार्मूले हैं वो अभी आपको थोड़े से नए लगेंगे, लेकिन आप थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद जो है मेरी तरह बोलेंगे कि जी लेस्पर, पाश्चे, बाउले, फिशर, मार्शल एंड कैली, ऐसे बोलेंगे आप, टिप्स पे हो जाएंगे आपके, लेकिन अभी आप बिल्कुल नए हैं तो इसलिए आपको बताता हूं। तो फर्स्ट मेथड जो कि डिराइव किया था वो था लेस्पियर्स मेथड, सेकंड था ये पाश्चेज मेथड, थर्ड वन वाज डॉर्बिश एंड बाउलेज मेथड, पॉपुलरली नोन एज बाउलेज मेथड, फोर्थ इज दैट इज अ फिशर्स आइडियल मेथड। आइडियल क्योंकि ये कुछ कंडीशंस टेस्ट फुलफिल करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडियल। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तब पता चलेगा कि ये आइडियल क्यों माना जाता है इसको। फिफ्थ वन इज दैट इज ए मार्शल एजवर्थ मेथड, एंड लास्ट वन इज दैट इज ए कैलीज मेथड। अब आपके पास जितने भी वेट्स हैं वो जो वेट्स असाइन किए जाएंगे उनमें से, इनमें से कोई भी मेथड जो है आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कौन सा मेथड पूछा जा रहा है दैट डिपेंड्स, इसलिए अब आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द वेटेड प्राइस इंडेक्स, कौन, एक लेस्पियर और एक पाश्चे। क्योंकि लेस्पियर में जो है वो बेस पीरियड को वेट माना जाता है और पाश्चे में जो है करंट ईयर को का वेट असाइन किया जाता है, लेकिन द डिफरेंस ओनली विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड यूजिंग फॉर वेट, सिर्फ पीरियड, क्योंकि यहां पे जो पीरियड है यहां बेस है और यहां करंट ईयर, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन ये बातें आपको थोड़ी सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएंगे। हम तो पहले आपको एक आपका कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ को मूव करेंगे। देखिए ये था मेरा पहला मेथड है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। अभी मैं प्राइस ले रहा हूं, उसके बाद क्वांटिटी लूंगा और वैल्यू, क्योंकि तीन तरह के इंडेक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक प्राइस स्टार्टिंग में मैंने यूज किया था, वैल्यू सॉरी प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, ठीक है। अभी मैं प्राइस इंडेक्स पे बात कर रहा हूं, फिर इन्हीं की हम क्वांटिटी की बात करेंगे और बाद में वैल्यू की बात करेंगे। वैसे प्राइस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। देखिए एचने लेस्पियर्स जो थे ही डेवलप्ड ए मेथड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं आपको, 18th century लेटर पार्ट में जो है वो इन्होंने इनका जो असली नाम था वो था एचने लेस्पियर्स। देखिए इन्होंने जो डिवाइस किया था वो क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। देखिए वैसे तो अगर आप ऐसे अगर लर्न करने लगे तब तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है जी। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपको जो कंसेप्ट है आपका वो बताऊंगा। देखिए हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा था जो प्राइस इंडेक्स था वो क्या था जी, सब जो अभी तक आपने पढ़ा वो था जी कि जी P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0, बिल्कुल सही कहा। और यहां पे जो लेस्पियर्स था उसने बोला कि जो वेट देने हैं आपने वो बेस पीरियड के देने हैं, और अभी हमने पढ़ा कि बेस किसके, वेट किसका देना है, क्वांटिटी का देना है, क्वांटिटी।
ठीक है जी। और बेस ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, क्यू जीरो, और करंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, क्यू वन, ठीक है। तो यहां पे जो वेट असाइन होगा वो क्यू जीरो से होगा, और पी जीरो ये किससे होगा, क्यू जीरो से होगा, ठीक है। और अगर मैं पाश्चे की बात करूंगा तो मैं यहीं पे आपको बता सिखा देता हूं, पी जीरो वन इज इक्वल टू आपका जो रूटीन का है वो तो वैसे ही लेना है आपने, सिग्मा पी वन सिग्मा पी जीरो, ठीक है। नहीं तो आप वन की जगह जीरो लगा देंगे, जीरो की जगह क्यू लगा देंगे। अब यहां पे जो वेट दिया जाएगा वो करंट ईयर का, तो करंट ईयर को क्या बोलते हैं, क्यू वन, और इसको बोलते हैं क्यू वन। लो जी फार्मूले तैयार हो गए, कैसे होंगे तो रट्टा नहीं मारना आपने। सो पिग्मा पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो। स्टूडेंट जो है वो रट्टा मारता है यहां पे, उसको ये नहीं पता क्रिएट कैसे करना है, तो कॉलेज लेवल पे आपको क्रिएट करना आना चाहिए। तो पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई सिग्मा पी जीरो क्यू वन कैसे आया, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो अब देखिए पी जीरो सिग्मा पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन डिवाइडेड बाई सिग्मा पी जीरो जो हम रूटीन में करते आए, और क्यू जीरो क्यू जीरो, ठीक है। तो पी वन कैसा मतलब करंट प्राइस, पी जीरो का मतलब क्या होता है प्राइस इन बेस पीरियड, ये तो हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। क्यू जीरो क्या है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड, कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है बेस पीरियड में। और यहां भी दोबारा क्या है, क्यू जीरो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस पीरियड, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे जो न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने मिल्क ब्रेड और एप्पल जो हमने अनवेट इंडेक्स नंबर में लिया था उसको हमने कहा था कि ये डिफेक्टिव है, क्योंकि जो मेन आइटम्स थी उनके प्राइसेस जो थे वो क्या हो रहे थे, वो डिक्रीज हो रहे थे, जबकि ओवरऑल आपका इंडेक्स क्या बता रहा था, इंक्रीज, जिसमें आप एप्पल जो है कभी कभी ओकेशनली आप उसको लेते थे। इसलिए उसकी वजह से हमें कहां जाना पड़ा, वेटेड इंडेक्स नंबर पे जाना पड़ा। चलिए उसी एग्जांपल को, इंस्टांस को लेकर के आगे उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कहता द प्राइस ऑफ थ्री फूड्स फॉर 1997 एंड 2012 एंड द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय ए टिपिकल कंज्यूमर इन 1997 आर एज फॉलोस। क्या हुआ, अब कमोडिटी क्या थी जी, मिल्क केजी में, ब्रेड लोफ टुकड़ा जो था एप्पल ईच, प्राइस 97 में जिसको हमने पी जीरो बेस 0.64 वही लिया मैंने, 0.65 0.50, क्योंकि तभी कंसेप्ट क्लियर होगा अगर फर्स्ट पुराने स्टांस से आप उसका कंपेरिशन करेंगे। ये मेरे पास 97 में अगर प्राइसेस ये थे तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू जीरो। तो मिल्क जो था वो ये देखिए अब 100 केजी मान लीजिए एक साल का, ब्रेड जो था लोफ 1000 लोफ, एप्पल जो है एक ओकेशनली, उसी तरह से जो प्राइसेस थे वो 2012 के जो प्राइसेस हैं वो 61 से 64 हो गया था, 65 से 59 हो गया था, और 50 रुपीज से 1 रुपीज बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो 142 के करीब जो है वो इंक्रीज हो गया था। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द वेटेड इंडेक्स ऑफ द प्राइस फॉर 2012 यूजिंग 1997, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लेस्पियर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और लेस्पियर्स ने उसने क्या कहा, वेट दिए जाएंगे जो उसने बेस पीरियड में क्वांटिटी कंज्यूम करी, वो कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करता है। सो द टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर फूड बाय द टिपिकल कंज्यूमर इन द बेस पीरियड 1997 इज डिटरमाइंड फर्स्ट। सबसे पहले हम वही डिटरमाइन करेंगे, ओके। तो कमोडिटी क्या आ गई जी, मिल्क ब्रेड एंड एप्पल। पी जीरो कितना है, 0.64 0.65 0.50 हिंट दिया लेकिन मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। क्यू जीरो आपके पास क्या आ गया जी, 100 1001। तो मेरे पास सबसे पहले क्या बोला उसने, द टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर फूड बाय द टिपिकल कंज्यूमर इज बेस पीरियड। तो लो जी अगर मैं पी जीरो को क्यू जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, कितना उसने कंज्यूम किया, कितने पैसे कितना अमाउंट जो है उसने कंज्यूम करेगा, टोटल अमाउंट स्पेंड करेगा उसके ऊपर। तो 0.64 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 64 रुपीज, 0.65 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 650, एंड 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.50, इसका मतलब टोटल हो गया मेरा 714.50, इतना पैसा जो है वो कंज्यूम करेगा। अच्छा अब 2012 में पी वन जो है मेरे पास आ गया 0.61 0.59 1.00, ये लिया। अब मैंने क्या किया उसको कि क्वांटिटी सेम बेस पीरियड की, लेकिन प्राइस जो बढ़ गए उसकी वजह से उसको कितना अमाउंट कंज्यूम करना पड़ा, तो 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि पी वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू जीरो, क्योंकि उसने बोला ना लेस्पियर ने कि बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 61 रुपीज 590, और ये मेरे पास आ गया 1 रुपीज,
इस तरह से टोटल मेरे पास आ गया 652 रुपीज। क्लियर है जी। तो क्या था जी मेरा फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0। वो मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है, P01 सिग्मा P1 सिग्मा P0, लेकिन वेट किसका देना है, क्वांटिटी इन द बेस जिसको हम बोलते हैं Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये P1Q0 सिग्मा है, टोटल है, और ये मेरा सिग्मा P0Q0 है। तो 652 डिवाइडेड बाई 714 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 91.3। लो जी, कहां पे वो इंक्रीज बता रहा था, जब हमने लेस्पियर्स का फॉर्मूला लगाया तो यहां पे क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो चलो अब वही हमने सिचुएशन ली, वहीं से लिया, तो इसकी अब इंटरप्रिटेशन करते हैं। लो जी, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। सो इन दिस केस द एवरेज प्राइस ऑफ फूड डिक्लाइंड अबाउट 8.7%, क्योंकि ये 91.3 है जी, फ्रॉम 1997 टू 2012। द वेटेड मेथड रिजल्ट्स इन ए मोर लॉजिकल आंसर दैट इज 91.3 देन द अनवेटेड इंडेक्स, जो कि हमने कहां डिस्कस किया था पीछे वाले लेक्चर में, जहां आप देख रहे थे कि वहां कितना आ रहा था 122.9, विच इंडिकेटेड एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 23% इन द प्राइस ऑफ द फूड। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला था, इलॉजिकल बोल दिया था ना हमने, इलॉजिकल बोल दिया था। ओके, तो जिसने भाई ये अनवेटेड इंडेक्स वाला जो नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, इससे पीछे वाला लेक्चर जो हमारा अनवेटेड भी था। सो दिस मेथड इज कॉल्ड द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, यूज द अमाउंट्स कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड Q0 एज वेट। ठीक है जी, ये Q0 हमने वेट दे दिया। तो यहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं इस मेथड में, इट अज्यूम्स दैट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द टिपिकल कंज्यूमर डिड नॉट चेंज, जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, ये इसकी प्रेजम्पशन है। हैंस ओनली प्राइस फ्लक्चुएटेड कॉजेज अ डिफरेंस, सिर्फ जो प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज होता है सिर्फ उसी के द्वारा जो है वही जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट कॉजेज द डिफरेंस। ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि जी ईटिंग हैबिट बदलती नहीं है, तो ईटिंग हैबिट में वो जितना पहले कंज्यूम कर रहा था उतना ही बाद में कंज्यूम कर रहा है, और साथ में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंज हो रही है, दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। यही हमने यहां पर भी यही बात करी ना। देखिए, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, क्वांटिटी हमारी क्या रही, सेम क्वांटिटी सेम रही, सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से जो है वो देखिए आप 91.3 के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमने, अब आपको लेस्पियर्स की बात समझ आ गई है, उसके बाद आ गया जी हमारा पाश्चे प्राइस इंडेक्स लिख रहा हूं, क्वांटिटी इंडेक्स अभी हमारा बाद में बन जाएगा, इसी फॉर्मेट पे बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहां प्राइस है वहां क्यू आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। जब प्राइस होता है तो क्वांटिटी वेट है, वहां क्या होगा, क्वांटिटी होगी तो प्राइस वेट बन जाएगा। तो यहां पे सेवरल इयर्स आफ्टर लेस्पियर्स इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग बेस पीरियड फिगर्स एज वेट्स, पाश्चे सुजेस्टेड ए सिमिलर प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, एक्सेप्ट दैट प्रेजेंट ईयर वेट्स वर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल बेस पीरियड वेट्स। उसने क्या किया, कहता कि जो क्वांटिटी है ना, इसका मतलब है कि उसने बोल दिया कि हैबिट्स में वो चेंज हो जाती हैं। जब हैबिट्स चेंज होती हैं तो इसका मतलब है कि जो करंट ईयर के जो कंजम्पशन है उसको वेट माना जाएगा, ना कि बेस ईयर को वेट माना जाएगा। बस इतनी सी बात उसने कर दी। तो उसका भी अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। देखिये, ये तो था क्या मेरा लेस्पियर्स का था, ये पाश्चे ने क्या बोला, P01 इज इक्वल टू क्या था जी मेरा, P01 में सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0, ये इंडेक्स था जी हमारा। अब उसने क्या बोला, कहता जो बेस जो वेट दिए जाएंगे वो होंगे क्वांटिटी किसके, करंट ईयर के। ओके, तो इसलिए Q1 और इसलिए Q1। लो जी, फार्मूला बन गया, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया जी मेरा क्या, आ गया पाश्चे का, पाश्चे की बात आ गई। ठीक है जी, पाश्चे, यही तो मैंने पाश्चे की बात आपको पहले बताई थी। ओके, तो देखिए यहां पे वही है, सिग्मा
सॉरी P01 इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, Q1 से मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, तो फार्मूला मेरा तैयार हो गया। तो हमने फार्मूला क्रिएट किया सर, हमने क्रैम नहीं किया, सही बात है, रट्टा नहीं मारना आपने। देखिए अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये कमोडिटी वही मिल्क ब्रेड और एप्पल, प्राइस मैंने वहीं से उठा लिया, P0 आपको पता है, और ये मेरे Q1 के आगे प्राइसेस, P0 0.64, 0.65, 0.50, ठीक है, ये प्राइस आ गया। और प्राइस P1 कितना हो गया था, डिक्रीज हो गया था 0.61, 0.59 एंड 1.00। और ये मेरा Q1 आ गया मेरा 200,902, ठीक है। अब क्वांटिटी जो है वो उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ओके, अब वो क्या कह रहा है, P0Q1, ठीक है, क्योंकि इसने Q1 को वेट मानना है, तो Q1 के वेट दे दिए आपको, 2012 के में उसने क्या क्वांटिटी कंज्यूम करी वो दिए हैं, 97 के नहीं दे रखे हैं। तो P0Q1 64 मल्टीप्लाइड बाई 200 128, 65 इंटू 900 585, 0.50 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। उस तरह से मेरे पास आ गया P1Q1, तो P1 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 200 122, 900 इंटू 0.59 530 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से मेरे पास सिग्मा P0Q1 इज इक्वल टू ये आ गया, और ये मेरा सिग्मा P1Q1 जो है वो ये आ गया। तो मेरा फार्मूला तैयार है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q1 विच इज इक्वल टू 655 डिवाइडेड बाई 714 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 91.7, ठीक है। अब इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो क्या हुई इंटरप्रिटेशन, वो कहता है ए मार्केट बास्केट ऑफ फूड, ठीक है जी, जो हमने आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बताया था, मार्केट बास्केट ऑफ फूड सिलेक्टेड फॉर 2012 कॉस्ट 8.3% लेस देन द सेम फूड कॉस्ट इन 1997, क्योंकि अब हाँ यहां पे 100 माइनस 91.7 जब हम करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8.3% होता है। वो आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि ये तो इंडेक्स नंबर है, इसको हम जनरली परसेंटेज में फॉलो नहीं करते, फिर देखते हैं। फाउंड बाय 100 माइनस 91.7 विच इज इक्वल टू 8.3%, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसका एडवांटेज क्या हुआ कि यूजिंग करंट कंजम्पशन फिगर्स एज वेट्स, दैट इज द कंजम्पशन पैटर्न इज ऑलवेज अप टू डेट, क्योंकि वो कहता कंजम्पशन जो आपका कंजम्पशन पैटर्न है वो अप टू डेट हो गया अगर हम करंट ईयर के लिए लेते हैं। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, जब हमने इस मेथड का एनालिसिस किया, द इंडेक्स मस्ट बी रिवाइज एवरी ईयर यूजिंग न्यू करंट वेट्स। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अगर 2013 आ गया तो उसके Q1 आ जाएंगे, 14 आ गया तो Q1 उसके आ जाएंगे, 15 आ गया तो Q1 आ जाएगा, प्राइसेस तो हमेशा हर टाइम क्या होता रहेगा, रिविजन होता रहेगा, तो हमें नया करंट वेट जो है वो लगाना पड़ेगा। जबकि उसमें लेसपेयर के माध्यम में तो हमारे पास बस वो क्या रहना था, Q0, यहां पे क्या होगा, हर साल जो है वो चेंज होगा। तो ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान है, जिसके बेस के ऊपर आप इसका एनालिसिस कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि बाकी के मेथड जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेस्पियर्स और पाश्चे के मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन ही कर लेते हैं। ओके, तो कई बार थ्योरेटिकली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। सो कंपैरिजन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाश्चेस, लेस्पियर्स एंड पाश्चेस मेथड। देखिए अभी हमने क्या किया, जो हमने डिस्कशन करी वही मेथड। तो बेस आ गया मेरा वेट्स, बताओ लेस्पियर्स में हमारा बेस क्या था, बेस क्वांटिटी, और पाश्चे के मेथड में क्या आ गई, करंट ईयर क्वांटिटी। अब कंफ्यूजन क्लियर, चेंज इन वेट्स डू नॉट चेंज, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, Q0 या Q0, लेकिन चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, क्योंकि यहां क्या रहेगा Q1, और Q1 क्या होगा, करंट ईयर। अगर 2012 है तो 2012 करंट आ जाएगा, अगर 2015 है तो वो Q1 आ जाएगा, तो हमेशा चेंज होता रहेगा, मेरा जो क्वांटिटी का जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। कंजम्पशन पैटर्न does not take into consideration, ठीक है, consumption pattern does not take into consideration, क्योंकि उसने देख लिया कि जो पुराना उसका pattern है वही follow किया जाएगा, लेकिन यहां पे it takes into consideration, it would always take into consideration, that is the consumption pattern। तभी तो हमने क्या लिया था, उसमें Q1 लिया है, ठीक है जी, यहां पे ओके। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है, डॉर्बिश एंड बाउलेज मेथड, जिसको कि पॉपुलरली हम बाउले मेथड बोलते हैं।
अब इतने लंबे चौड़े अगर आप फार्मूले रटने लगे तब तो आप रट बैठे, तो सर कैसे करेंगे? बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखो डॉर्बिश एंड बाउले का जो मेथड है, लेस्पियर का मेथड और पाश्चे का मेथड आना चाहिए, वो तो आपको डिटेल में आ गया, आगे के मेथड सब ऐसे निकल के आ जाएंगे। दिस मेथड इज द ए, देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाश्चे पढ़ाई सिलेक्स, बस ध्यान रखना। और सर अर्थमेटिक मीन तो हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो P01 क्या हो गया, लेस्पियर प्लस पाश्चे डिवाइडेड बाई टू क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन भी निकल गया कि नहीं? तो ये लेस्पियर्स और ये पाश्चे डिवाइडेड बाई टू हो गया, अर्थमेटिक मीन बन गया। और अब देखो P01 इज इक्वल टू, सर लेस्पियर में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 होता है और Q0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरह से पाश्चे में सिग्मा P1 सिग्मा P0 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सर करंट ईयर के क्वांटिटी से, तो Q1 और उसके बाद ये क्या बन गया, ये लेस्पियर का फार, ये पाश्चे का है, उनको प्लस कर दिया और उसको डिवाइड बाई टू कर दिया, तो अर्थमेटिक मीन बन निकल गया विच इज मल्टीप्लाइड बाई 100। लो जी बन गया जी डॉर्बिश का फार्मूला। अभी मैं आपको फार्मूले बनाना सिखाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस में बाद में कराता हूं। सर आप फिशर्स आइडियल इंडेक्स, आइडियल इंडेक्स इसलिए है क्योंकि ये सारे टेस्ट फुलफिल करता है, और सारे मेथड जो है कोई नहीं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, इसलिए इसको आइडियल इंडेक्स मेथड कहा जाता है। तो अब सर इसको कैसे बनाएंगे, अरे इसका भी मैं शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, ट्रिक दे रहा हूं। दिस मेथड इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर्स एंड पाश्चे प्राइस इंडेक्सेस। लो जी अब आपको ज्योमेट्रिक मीन पता है, सर बिल्कुल पता है, अंडर रूट होता है। तो P01 इज इक्वल टू लेस्पियर इंटू पाश्चे का अंडर रूट। तो फिर P01 इज इक्वल टू लेस्पियर का फार्मूला आपको आता है, बनाना आता है सर हमें, तो सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई किससे होता है, बेस ईयर की क्वांटिटी, तो Q0 प्लस पाश्चे में क्या होता है सेम सिग्मा P1 P0, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होता है करंट ईयर की क्वांटिटी से, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। लो जी फिशर का आइडियल इंडेक्स भी बन गया। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं है, क्रिएट करना है, टेंशन फ्री एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपने। और यही चैप्टर है जो आपको 100 out of 100 देने की कोशिश करता है। फिफ्थ मेथड है हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड। देखिए मार्शल एजवर्थ मेथड ने इसने क्या किया, दिस मेथड टेक्स इनटू कंसीडरेशन बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटी। लो अब इसमें आपने कैसे करना है वो भी बता देता हूं। देखो इसमें फार्मूला जो हम क्रिएट करते हैं, मैंने ये लिखा है P1 डिवाइड बाई P0 करते हैं, ठीक है, P1 डिवाइड बाई P0 करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर, तो करंट ईयर की क्वांटिटी प्लस करंट ईयर की क्वांटिटी प्लस बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी प्लस बेस ईयर की क्वांटिटी प्लस कर दिया, दोनों ले लिया मैंने, तो सिग्मा Q0 प्लस Q1 P1 सिग्मा Q0 प्लस Q1 P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट खोल देंगे। जब ब्रैकेट खोल देंगे तो मेरे पास क्या आता है, देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। लो जी एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला तैयार हो गया जी। अब क्या हुआ, दोनों Q0 प्लस किस में होगा, मार्शल एजवर्थ में होगा, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद चलते हैं जी हम आपके कैली के पास। ये है हमारा कैलीज मेथड, लास्ट मेथड, दैट इज अ कैलीज मेथड। कैलीज मेथड क्या कहता है, दिस मेथड यूजेस फिक्स्ड वेट्स एंड वेट्स आर द क्वांटिटीज विच मे रिलेट टू एनी पीरियड। आपकी मर्जी है, चाहे आप बेस ईयर कर लो, चाहे आप करंट ईयर कर लो, या उसकी एवरेज ले लो ऑफ द 2 or 3 or more ईयर्स, जिस भी ईयर की आप लेना चाहते हैं, पर लेकिन आपकी क्वांटिटी जो हो फिक्स रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि P01 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू सिग्मा P1 और सिग्मा P0, लेकिन अब Q यहां पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसलिए Q और Q। अब आप बोलेंगे Q की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये लो जी Q की कैलकुलेशन, एवरेज ले लेते हैं हम, Q इज इक्वल टू Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। अगर मान लो 3 साल गए तो Q0 प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 3 आपकी इच्छा है। और उसी तरह से सिग्मा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q डिवाइड बाई सिग्मा P0Q इंटू 100। इसमें आप Q जो है आपकी मर्जी है, यहां तो आपके पास क्या था कि आपकी इच्छा है कि आप बेस ईयर लो या करंट ईयर लो, और कई जगह पे आप क्या ले लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि या तो ये ले लो या इन जो से दो में, सो इसलिए मैंने ए और बी में आपकी कैलकुलेशन कर दी। ओके अब आपका जो जितने भी हमने फार्मूले क्रिएट किए, अब उसकी हम एक
एप्लीकेशन करते हैं. तो लेट अस बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. देखिए ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर बाय अप्लाइंग. कौन कौन से फार्मूले? लेस्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड, बाउलेज मेथड, फिशर मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड. कैली नहीं दिया क्योंकि कैली में फिक्स है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे. तो अब तो आपके पास थोड़ा सा अभी अभी आप मेरे साथ बोलेंगे तो देखिए लेस्पर, पास्चे, बाउले, फिशर, मार्शल और कैली. ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपके टिप्स पे हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद. ये मेरे पास कमोडिटी दे रखी है ए बी सी डी. अब आप समझिए, मैंने वहां तो आपको प्रैक्टिकली बताया था जैसे मिल्क, ब्रेड, एप्पल, जिससे आपके माइंड में ये बात चले कि कमोडिटी सिर्फ ए बी सी डी नहीं होती, जो एक्चुअल कमोडिटीज होती हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं. अब आप इसमें कर लीजिए, चाहे वो आप आटा ले लीजिए, चावल लीजिए, दाल लीजिए, जो मर्जी ले लीजिएगा. ठीक है जी, तो ए बी सी डी आ गई. ये बेस ईयर और करंट ईयर अब आप समझ गए हैं, इसलिए मैंने अब बेस ईयर करंट ईयर से ही आपको एप्लीकेशन शुरू की है. अब मैंने टाइम पीरियड नहीं लिया है. जब आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल करेंगे तो आप वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये आपको बेस ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं, ये क्वांटिटी दे रखी है. तो क्योंकि हमने सिंबॉलिक है इसलिए ये रुपीज 1, 2, 3, 4, जिसकी वजह से मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहे और आपका आपका फोकस कंसेप्ट पे रहे. क्वांटिटी केजी में है, दैट इज 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg. करंट ईयर के प्राइसेस जो है 5 rupees, 4 rupees, 3 rupees, 2 rupees और क्वांटिटी है 8, 7, 6 and 5 kg. ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कंप्यूटेशन टेबल बनाएंगे. तो कंप्यूटेशन टेबल में मैं P0, Q0 लिखूंगा, P1, Q1 लिखूंगा. ठीक है, और कमोडिटी आ गई ए बी सी एंड डी. तो सबसे पहले मुझे लेस्पियर्स के केस में क्या चाहिए होता है सर? Q0 और Q0 के साथ चाहिए होता है क्योंकि वहां पे जो मेरा वेट है वो बेस होता है. तो P1 Q0 6 × 5 = 30, 7 × 4 = 28, 8 × 3 = 24, 9 × 2 = 18. उसके बाद सर मुझे चाहिए होता है P0 Q0, बिल्कुल 1 × 6 = 6, 2 × 7 = 14, 3 × 8 = 24, 4 × 9 = 36. ठीक है जी, अब मेरे को सर चाहिए होती है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. ठीक है, तो फिर मैं P1 Q1 5 × 8, 5 × 4 = 7, 28 × 3 = 18, 2 × 5 = 10. और उसी तरह से मेरे पास आ गया P0 Q1. तो P0 Q1 1 × 5 = P0 Q1 1 × 8 = 2 × 7 = 14 3 × 6 = 18 4 × 5 = 20. ठीक है जी, अब मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया सर सिग्मा P1 Q0, ये आ गया सर सिग्मा P0 Q0, ये आ गया मेरा सिग्मा P1 Q1 और ये आ गया मेरा सिग्मा P0 Q1. होगी जी कैलकुलेशन? ओके, ये मैंने आप कंपटीशन टेबल बना दिया. अब कंपटीशन टेबल को मैं थोड़ा सा अब यहां पे रखूंगा जिसकी वजह से आपको नजर आता रहे. अब आ जाइए जी हमारा पहला मेथड. तो पहला मेथड है मेरा सर लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो क्या होता है जी सर? अभी हमने फार्मूला क्रिएट किया है कि सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई किया जाता है बेस ईयर के क्वांटिटी के इंडेक्स से. तो Q0 Q0 × 100. लो जी आसान. अब बताओ मुझे P1 Q0 कितना है? P1 Q0 बताइए मुझे कितना है? लो सर P1 Q0 जो सिग्मा जो 100 है. लो जी 100 आ गया. P0 Q0 कितना है? P0 Q0 कितना है? 80 है. 80 लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 100. तो सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया. ठीक है, ये लो 25 × 5 = 125. उसके बाद मेरा सर पास्चे का प्राइस इंडेक्स होता है सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1. कैसे क्रिएट किया मैंने आपको बताया. P1 P0 वैसे रहेगा, अब करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100. आओ जी P1 Q1 कितना है जी? 96 है सर सिग्मा. और P0 Q1 कितना है? 60 है. ये 60 आ गया मल्टीप्लाइड 100 = 160. ये इसके साथ हो रहा है, ये 16 हो रहा है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है 160. ठीक है, अच्छा अब आपके पास सारे आपके पास आ गए हैं तो आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉर्बिश एंड बाउलेज का मेथड मैंने क्या बताया था सर? ये तो अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे होता है. हाँ, ये मैंने आपको जस्ट क्रिएट करने के लिए बताया.
तो बाउलेज मोस्टली इट इज नोन एज बाउलेज. बाउलेज प्राइस इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है सर? ये आपने ये लिखा देखो, सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू वन मल्टीपल डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, तो लो जी 100 डिवाइडेड बाय 80 ये देखो प्लस 96 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं इससे इसको ये करूं तो 1.25 आ रहा है, और अगर मैं इससे करूं तो 1.6 आ रहा है क्योंकि 10 1.6, तो इसलिए 1.25 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है 142.5. और अगर वैसे देखना है तो मैं क्या करूंगा, लेस्पियर का कितना आ रहा है 125, पास्चे का कितना है 160 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. तो ये टोटल मेरे पास 5, 8 एंड 2 285 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, लो जी सेम रिजल्ट आ रहा है. आ रहा है रिजल्ट तो आपकी लैब है, जैसे मर्जी करिए आप इसकी. ये देखो 142.5 इट इज ए अर्थमेटिक मीन. अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप फिशर्स प्राइस इंडेक्स. तो अब मेरे पास क्या रहा है, ये क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे. तो यही हमने लेस्पियर कर लिया, क्या सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको मैंने फॉर्मूला बता ट्रिक बता दिया कैसे क्रिएट करना है. सिग्मा इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू वन. नहीं तो रट्टा मारोगे तो क्यू वन इधर हो जाएगा, पी जीरो इधर हो जाएगा, क्यू वन की जगह जीरो हो जाएगा और गया मल्टीप्लाइड बाय 100. अब क्या है ये देखिए, 100 डिवाइडेड बाय 80 वहां से लिया लेस्पियर, और ये पास्चे 96 डिवाइडेड बाय 60 अंडर रूट इंटू 100. अब देखिए 9600 हो गया मेरे पास यहाँ पे, और ये 8648 हो गया तो 4800 हो गया. अगर मैं इसको कट करूं तो ये 2 रह गया, तो मेरे पास अंडर रूट 2 इंटू 100. अंडर रूट 2 की वैल्यू जो है ना 14.1 होती है, 14.142 होती. तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर करूं तो ये हो गया 141.42. और अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं 125 इंटू 160 का अंडर रूट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप कर लेंगे तो भी आपके पास वही यही आंसर आ जाएगा. आप मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया है, टास्क है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. अच्छा, उसके बाद क्या आ गया जी मेरा मार्शल एजवर्स प्राइस इंडेक्स. उसमें उसने क्या कहा कि दोनों ले लीजिए, तो मैंने क्या किया, आपको ट्रिक बताया था कि पी वन पी जीरो वैसे आपकी मर्जी है. देखिए सिग्मा पी वन और डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो इधर लेकर के आप क्यू जीरो प्लस क्यू वन और इधर क्यू जीरो प्लस क्यू वन भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है. फिर हम क्या करते हैं सर, ब्रैकेट खोलते हैं. हाँ तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो पी वन क्यू जीरो ये लो सिग्मा पी वन क्यू वन ये हो गया, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो ये देखो इससे मल्टीप्लाई सिग्मा पी जीरो क्यू वन हो गया. लो अब मेरे पास दोबारा से क्या आ गया, पी वन क्यू जीरो किसके बराबर है सर? उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, देख लेते हैं. ये लो जी ये मेरा पी वन क्यू जीरो 100 है जी, तो पी वन क्यू जीरो मेरा 100 हो गया. उसके बाद मेरा पी वन क्यू वन कितना है 96 है, ये लो 96 डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो कितना है 80 है. ठीक है, और उसके बाद पी जीरो क्यू वन जो है मेरा कितना है 60 है. लो तो ये भी हमारी कैलकुलेशन होगी मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया जी 196 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है जी, अब मैं इसको कैलकुलेट करा तो ये इसके बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको बता देता हूं. ये 14 1 14 5 14 4 56, तो 140 into 10 इज इक्वल टू 140. ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया जी, मार्शल एजवर्स. अब उसके बाद जो हमारा कैलीज का मेथड है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं. ये देखिए, अब हमारे पास अगर आप ये बोलें कि जी कैलीज के मेथड में जो है, तो आप देखिए कैलीज के मेथड में क्या कर दिया हमने, देखो कैलीज के मेथड में हमने आपसे क्या किया, क्यू जो है मेरे पास क्या रहेगा देख लो आप, क्यू 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 सर हमारे पास जो है वो एक ही फिगर रहेगी. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ए बी सी और डी आइटम्स हैं, और ये मेरे पास ये क्वांटिटी दे रखी है, और क्वांटिटी मान लीजिए 10 है 9 है 8 है 7 है, कैलकुलेशन के लिए इजी रहे आपके लिए.
अच्छा ये प्राइस में मान लो पी जीरो आ जाता है, ठीक है, प्राइस ऑफ बेस ईयर है, क्या हो गया 1, 2, 3 एंड 4 कर लेता हूं, और ये मेरे पास पी वन आ जाता है, तो अगर पी वन है तो 5, 4, 3 एंड 2 आ जाता है, ठीक है। अब मैं अगर कंपटीशन टेबल बनाना चाहूं तो आराम से बन जाएगा, जैसे क्या ए बी सी एंड डी, और ये जो क्यू है ये सेम रहेगा, तो क्यू मेरे पास 10, 9, 8 एंड 7, और ये मेरे पास पी जीरो जो है 1, 2, 3 एंड 4, और पी वन मेरे पास 5, 4, 3 एंड 2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए सर, पी वन क्यू चाहिए और साथ में जो है मेरे पास पी जीरो क्यू चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास 50, 36 आपके सामने 24 और ये 14 आ गया, तो इसका टोटल 124 आ गया, और अगर पी जीरो क्यू देखूं तो ये देखो 10 आ गया, और उसके बाद 18 आ गया, ये 24 आ गया और ये 28 आ गया, 80 आ गया। मेरा फार्मूला सर क्या है, ये है पी वन क्यू डिवाइड बाई पी जीरो क्यू, तो देखो सिग्मा पी वन क्यू कितना है 124 है डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 155। तो लो जी अब आपका कैली कैसे कैलकुलेट करता है दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर दोनों साल के दे रखे हैं तो आपकी मर्जी, और आपकी मर्जी है तो इसका मतलब आप उसकी एवरेज निकाल करके क्यू निकाल लीजिएगा बस, ठीक है जी। तो ये थे मेरे जो फर्स्ट वाला जो आपको हमने डिस्कस किया था वेटेड इंडेक्स नंबर में, कौन सा वेटेड इंडेक्स नंबर में, वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस, वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस। हम बात करेंगे फिर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडाइसेस, और एग्रीगेटिव इंडाइसेस में हमारे पास कौन से थे जी, लेस्पर, पाश्चे, बावले, फिशर, मार्शल एंड कैली। टिप्स पे हो गया जी बात, और आपके भी टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स की बात करेंगे, और यहां हमने प्राइस इंडेक्स की बात करी, उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे।